फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था डी क्यू इक्वल्स डी यू प्लस डी डब्ल्यू, टोटल अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू अ सिस्टम मे इंक्रीज इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम एंड मे डू सम वर्क अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर। दो जगह यूज हो रही है हीट एनर्जी, ये हीट है, ये इंटरनल एनर्जी है और ये वर्क डन। तो यहां कुछ साइन कन्वेंशन है हमारे पास। साइन कन्वेंशन क्या है? फर्स्ट साइन कन्वेंशन क्या है? हीट गिवन टू द सिस्टम, अगर आप सिस्टम को हीट दे रहे हैं तो ये पॉजिटिव कंसिडर की जाएगी। हीट टेकन आउट, हीट टेकन आउट भी नहीं, हीट डेसिपेटेड बाय द सिस्टम निगेटिव। मतलब किसी सिस्टम को अगर आप हीट दे रहे हो, एक आपके पास थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, पिस्टन सिस्टम एलिमेंट ये सब, आपने पता लगा इसे हीट एनर्जी दी, कितनी हीट एनर्जी दी आपने इसे 1000 जूल एनर्जी दी। तो कैलकुलेशन में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में इस जगह आप इस हीट का, हीट की वैल्यू रखेंगे पॉजिटिव। हीट की वैल्यू यहाँ क्या रखेंगे? पॉजिटिव रखेंगे जब आप हीट दे रहे हैं सिस्टम को। और अगर आपको सिस्टम से बाहर हीट मिल रही है, सिस्टम से डेसिपेट हो रही है हीट, तब आप इस डी क्यू की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ निगेटिव में, निगेटिव में और पॉजिटिव में, ठीक है। सेकंड कन्वेंशन क्या है? सेकंड कन्वेंशन है व्हेन गैस एक्सपेंड, जब गैस का वॉल्यूम बढ़ जाए चाहे किसी भी तरह से बढ़े, तो वर्क इज डन बाय द गैस, वर्क इज डन बाय द गैस, और इसे हम लेंगे कैसा लेंगे? इसे पॉजिटिव लेंगे। गैस अगर एक्सपेंड हो रही है तो गैस ने वर्क किया, पिस्टन को बाहर धकेला गैस ने वर्क किया, और इस वर्क को कंसिडर किया जाएगा कैसा? पॉजिटिव। और बाय द वे गैस पर आपने प्रेशर लगाकर उसका वॉल्यूम डिक्रीज कर दिया, तो फिर अब जो भी वर्क है इस फॉर्मूले में, यहां इस इक्वेशन में डी डब्ल्यू की वैल्यू निगेटिव ली जाएगी, डी डब्ल्यू की वैल्यू पॉजिटिव ली जाएगी अगर गैस का एक्सपेंशन है, और गैस का अगर कॉन्ट्रेक्शन है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो डी डब्ल्यू की वैल्यू ली जाएगी निगेटिव, ठीक है। वैसे वर्षा थर्ड पॉइंट है आपका, थर्ड कन्वेंशन है इसका, क्या सिंपल सी बात है? इफ टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीजेस, अगर टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीजेस, तो जो डी यू है इसे हम पॉजिटिव लेंगे। इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, तो इसका मीनिंग क्या है? इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस, और इसी इंक्रीज को हम लेंगे पॉजिटिव। और सीधी सी बात है, अगर कहीं गैस का टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, कि टेम्परेचर डिक्रीज का मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तब हम इसे लेंगे डीयू को नेगेटिव। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है इस इक्वेशन में, डीयू इंक्रीज चेंज इन इंटरनल एनर्जी डीयू को लिया जाएगा पॉजिटिव, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो डीयू को लिया जाएगा नेगेटिव।